हेलो फ्रेंड्स, होम कुक्स मैजिक में आपका स्वागत है। मैं लता भारती आज लेकर आई हूँ आपके लिए वेज पिज़्ज़ा की रेसिपी, जिसे हम घर में बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो आइए चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले पिज़्ज़ा डो तैयार करेंगे। यहाँ मैंने आधा कप गर्म पानी लिया है। इसमें हम एक चम्मच चीनी डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हम इसे तब तक मिक्स करेंगे जब तक चीनी अच्छी तरह से पानी में घुल ना जाए। यहाँ हम जो गर्म पानी यूज करेंगे वो ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए, हमें सिर्फ गुनगुने पानी की आवश्यकता है। अब आप देख सकते हैं चीनी अच्छी तरह से घुल गई है। अब हम इसमें 2 चम्मच ईस्ट डालेंगे। दो चम्मच ईस्ट डालने के बाद इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तब हम आगे का स्टेप स्टार्ट करेंगे। अब आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अब हम इसे ढककर 5 से 7 मिनट रेस्ट के लिए रख देंगे, जिससे ईस्ट अच्छी तरह एक्टिवेट हो जाए। 6 मिनट हो चुके हैं। अब आप देख सकते हैं आपको ये ऊपर झाग दिखाई दे रहे होंगे, इसका मतलब ये है कि ईस्ट अच्छी तरह से एक्टिवेट हो गया है। अब हम इसमें 2 कप मैदा डालेंगे। 1/4 टीस्पून नमक डालेंगे। अब हम इसे ऐसे ही अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। इसे मिक्स करने के बाद अगर और पानी की आवश्यकता होगी तो हम इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर लेंगे। यहाँ मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड कर लिया है। अब इसे ऐड करने के बाद हम इसे किसी बड़े बर्तन में, किसी प्लेट या परात में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसमें ट्रांसफ़र करने के बाद थोड़ा सा ऊपर से तेल डालेंगे। तेल डालने के बाद हम इसे दोनों हाथों से अच्छी तरह से गूंदेंगे। इसे हम एक हाथ से लंबा खींचेंगे और दूसरे हाथ से इसको फोल्ड करेंगे। ये स्टेप हमें कम से कम 4 से 5 मिनट तक करना है, जब तक कि हमारा डो बिल्कुल चिकना और सॉफ्ट ना हो जाए। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो हम डो तैयार करेंगे बिल्कुल इसी मेथड से तैयार करेंगे। एक हाथ से हम इसको लंबा करेंगे, दूसरे हाथ से हम इसको फोल्ड करते जाएंगे और साथ ही साथ थोड़ा थोड़ा तेल इसमें हम डालते जाएंगे, जिससे कि हमारे हाथों में चिपके नहीं। अब आप देख सकते हैं कि डो बिल्कुल सॉफ्ट और चिकना हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा तेल डालकर इसको दोबारा उसी बाउल में शिफ्ट कर देंगे और इसे कम से कम 1.5 से 2 घंटे फर्मेंट होने के लिए रख देंगे। अब हम इस बाउल में थोड़ा सा तेल डालेंगे। तेल डाल के इसको अच्छे से चारों तरफ फैला देंगे। चारों तरफ फैलाने के बाद इसमें हमने जो डो तैयार किया था उसे हम फर्मेंट होने के लिए रखेंगे। अब हम इस डो को नीचे की तरफ टक करके गोल गोल कर लेंगे और गोल गोल करने के बाद इसे हम इसी बाउल में रख देंगे। उसके बाद हम इसमें भी ऊपर से तेल लगा देंगे, जिससे कि ये बाउल में चिपके ना। तेल लगाने के बाद इसे हम अच्छी तरह से कवर करेंगे, जिससे कि इसकी एयर पास ना हो। अब हम इसके ऊपर एक प्लेट रख देंगे और इसे 1.5 से 2 घंटे के लिए फर्मेंट के लिए रख देंगे। 1.5 घंटे बाद आप देख सकते हैं ये अच्छे से फर्मेंट हो गया है। अब हम एक बेकिंग ट्रे में थोड़ा सा तेल डालकर उसे अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। यहाँ मैं ये पिज़्ज़ा माइक्रोवेव में बना रही हूँ, तो माइक्रोवेव को हम कम से कम 15 से 20 मिनट तक प्रीहीट कर लेंगे। आप देख सकते हैं हम ट्रे को अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है। अब हम इस पर डो रखकर उंगलियों की सहायता से धीरे धीरे इसको गोल शेप में बढ़ाएंगे। हम इसे धीरे धीरे प्रेस करके अंदर से बाहर की तरफ गोलाकार में फैला लेंगे। हमें इसे दोनों हाथों की उंगलियों से धीरे धीरे प्रेस करके बढ़ाना है। अब आप देख सकते हैं कि पिज़्ज़ा बेस बनकर तैयार हो गया है। अब हम एक फोक की सहायता से इसमें छेद करेंगे, जिससे कि ये फूले ना। छेद करने के बाद अब हम इसमें सॉस लगाएंगे। यहाँ मैंने टमाटो सॉस लिया है, आप चाहें तो पिज़्ज़ा सॉस भी ले सकते हैं, यह मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाता है।
सॉस को हम चम्मच की सहायता से पूरे बेस पे धीरे धीरे लगा लेंगे। सॉस लगाने के बाद अब हम इसमें चीज स्प्रेड लगाएंगे। यहाँ मैंने गो का चीज स्प्रेड लिया है, आप चाहें तो अमूल का भी ले सकते हैं। इसे हम थोड़ा सा बीच में डालेंगे और इसे धीरे धीरे चम्मच की सहायता से पूरे बेस पर फैला देंगे। चीज स्प्रेड लगाने के बाद अब हम इस पर कुछ सब्जियां लगाएंगे। यहाँ मैंने ग्रीन, येलो और रेड कैप्सिकम, थोड़ा सा पनीर, कॉर्न और प्याज दिया है। आप अपने मनपसंद की जो सब्जी हो वो ले सकते हैं। अब धीरे धीरे करके हम सारी सब्जियां इस पर लगा देंगे। यहाँ मैंने पनीर डाला है, आप पनीर की जगह मशरूम भी डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो वो सब्जियां इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम इस पे अमूल डैश चीज़ और मोजरेला चीज़ लगाएंगे। मोजरेला चीज़ को पहले हमें ग्रेट कर लेना है। ग्रेट करने के बाद हम इसे इस पर थोड़ा थोड़ा चारों तरफ डाल देंगे। मोजरेला चीज़ डालने के बाद अब हम इस पर डाइस चीज़ डालेंगे। इसे भी हम थोड़ा थोड़ा करके चारों तरफ डाल देंगे। अब आप देख सकते हैं टॉपिंग हमारी पूरी तरह फिनिश हो गई है। अब हम बेकिंग शुरू करेंगे। बेकिंग करने के लिए माइक्रोवेव को 15-20 मिनट पहले प्रीहीट कर लेंगे। उसके बाद 180 डिग्री सेल्सियस पर हम इसे कन्वेक्शन मोड पर 30 से 40 मिनट के लिए बेक करेंगे। यहाँ मैंने पिज़्ज़ा बेक होने के लिए रख दिया है। अब हम एक बाउल में एक चम्मच बटर डालेंगे, थोड़ा सा गार्लिक डालेंगे ग्रेट किया हुआ, थोड़ा सा ओरिगैनो डालेंगे। इन तीनों चीज़ों को गर्म कर लेंगे। गर्म करने के बाद इसे हम पिज़्ज़ा पर लगाएंगे। 35 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं पिज़्ज़ा अच्छी तरह से बेक हो गया है। अगर आपका पिज़्ज़ा 35 मिनट में बेक नहीं होता तो आप इसे 5 से 10 मिनट के लिए और बेक कर लें। अब हम इस गरम गरम पिज़्ज़ा पे जो बटर हमने बनाकर तैयार किया था उसे अप्लाई करेंगे। हम एक ब्रश लेंगे, ब्रश की सहायता से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसे पिज़्ज़ा के ऊपर अच्छी तरह से अप्लाई करेंगे। इस बटर को लगाने से पिज़्ज़ा का टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है, हमारा पिज़्ज़ा और ज़्यादा स्वादिष्ट लगने लगता है, क्योंकि बटर के साथ गार्लिक और ओरिगैनो का जो फ्लेवर आता है वो पिज़्ज़ा के टेस्ट को और अधिक बढ़ा देता है। तो आप इसे पिज़्ज़ा पे ज़रूर लगाएं, इससे आपके पिज़्ज़ा का टेस्ट और अधिक बढ़ जाएगा। अब हम इस पर थोड़े से चिली फ्लेक्स डालेंगे। चिली फ्लेक्स डालने के बाद थोड़े से ओरिगैनो डालेंगे। ओरिगैनो डालने के बाद हमारा पिज़्ज़ा बनकर तैयार है। तो आप देख सकते हैं कि हम घर में भी बड़ी आसानी से पिज़्ज़ा बना सकते हैं। देखिए, लग रहा है ना एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल। तो आप भी इसे बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे एक नया उत्साह मिलता है। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें, धन्यवाद।